रही हैं। आइए अब खबरों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आतंक और अलगाववाद के बहुत बड़े कारण से देश को किया मुक्त। बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर स्मारक सिक्का और तमिल कृति तिरुक्कुरल के थाई अनुवाद का भी किया लोकार्पण। आतंकवाद से निपटने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दोहरे मानदंड अपनाए बिना लागू करना जरूरी। उज़्बेकिस्तान में एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता से निपटने के लिए समग्र, पारदर्शी और बहुपक्षीय व्यवस्था अपनाने पर दिया जोर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया नक्शा जारी। जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत 22 जिले, लद्दाख में कारगिल के अलावा लेह जिले में गिलगित, चिलास और जनजातीय राज्य क्षेत्र भी शामिल। डिजिटल तकनीक में पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर लगाम और गवर्नेंस में सुधार में की मदद। एनआईटी सूरतकल में दीक्षांत समारोह में बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। विश्व भर में तकनीकी क्षमता में भारतीय इंजीनियरों के योगदान की तारीफ। और बिहार समेत देश भर में छाई प्रकृति पूजा और सुख सौभाग्य के पर्व छठ की छठा। संध्या अर्घ्य के लिए घाटों पर भारी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। नेशनल इंडोर स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम का नाम सवादी पीएम मोदी था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन सुवर्ण भूमि थाईलैंड में आप सभी के बीच हूं तो लगता ही नहीं है कि कहीं विदेश में हूं। ये माहौल, ये वेशभूषा हर तरफ से अपनापन का आभास दिलाता है, अपनापन झलकता है। थाईलैंड के कण कण जन जन में भी अपनापन नजर आता है। भगवान राम की मर्यादा और भगवान बुद्ध की करुणा, ये दोनों हमारी साझी विरासत है। करोड़ों भारतीयों का जीवन जहां रामायण से प्रेरित होता है, वही दिव्यता थाईलैंड में रामाकियन की है। भारत की अयोध्या नगरी थाईलैंड में अयुत्या हो जाती है। जिन नारायण ने अयोध्या में अवतार लिया, उनके पावन पवित्र वाहन गरुड़ के प्रति थाईलैंड में अप्रतिम श्रद्धा है। साथियों, हम भाषा के ही नहीं, भावना के स्तर पर भी एक दूसरे के बहुत नजदीक है। इतने नजदीक कि कभी कभी हमें इसका आभास भी नहीं होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक और अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का निर्णय भारत ने लिया है। आप सभी इस बात से परिचित है कि आतंक और
अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का निर्णय भारत ने कर लिया। पता है क्या किया? क्या किया? थाईलैंड में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को पता है क्या किया। जब निर्णय सही होता है, इरादा सही होता है, तो उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है और आज मुझे थाईलैंड में भी सुनाई दे रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के सिलसिले में स्मारक सिक्का जारी किया। इसके अलावा तमिल कृति तिरुक्कुरल के थाई अनुवाद का भी लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं। आज ताशकंद में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों की लिस्ट में शामिल होगा। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही वहाँ पर अलग संविधान और अलग प्रधान की परंपरा थी। एनडीए सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म कर कश्मीर के लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया है। 1951 में जिस समय हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी भारतीय जनसंघ की, उस समय ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा इस देश में एक विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। और आपने देखा लंबे समय तक हम लोगों ने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं पैदा होने दी। जब हम लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको मेंशन करते थे तो लोग कहते थे ये जनसंघी और भाजपाई ये बराबर धोखा देते हैं और ये कहते हैं कि जब आएंगे तो हम धारा 370 समाप्त करेंगे। अरे भाई जब क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी तभी ना समाप्त करेंगे। अब ये आगे मिली है तो उसको छुट्टी कर दिया, धारा 370 समाप्त। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमाओं के पुनर्गठन के लिए सरकार ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का नया नक्शा जारी कर दिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल हैं, वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लेह और कारगिल जिले हैं। लेह जिले में लद्दाख के इलाके के साथ गिलगिट, गिलगिट वजारत, चिलास जनजातीय राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दोनों जगहों पर नए उपराज्यपाल की नियुक्ति के बाद केंद्रीय प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पहले 28 जिले अस्तित्व में थे। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश कर रहे लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में दानिश अहमद चन्ना नाम के आतंकी को सोपोर से गिरफ्तार किया गया। ये आतंकी बारामूला में बड़ी आतंकी गतिविधि करने की फिराक में था, लेकिन इसके पहले सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को पकड़ लिया। इस आतंकी के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। का नाम दानिश चन्ना है जो बारामूला का रहने वाला है। दानिश चन्ना जो है वो आज सुबह स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर पकड़ा गया है। उसकी पूछताछ अभी फोर्स जो है वो कर रही हैं और उसकी बाकी जो जानकारी मिलेगी उसके मुताबिक फर्दर फॉलो अप एक्शन लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी सदस्य और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कैरन पियर्स ने कहा कि नवंबर में होने वाली बैठक में कश्मीर पर कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में और भी बहुत से मुद्दे हैं और हर महीने अध्यक्ष उनमें से कुछ को चुनता है जो सुरक्षा परिषद के कामकाज में पहले से तय नहीं होते हैं।
कश्मीर मुद्दे को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि सुरक्षा परिषद ने हाल ही में इस पर चर्चा की थी। किसी भी अन्य सदस्य ने इसे लेकर बैठक निर्धारित करने के लिए नहीं कहा है। आईआईटी दिल्ली ने आज अपना 50वां दीक्षांत समारोह मनाया। इसरो के अध्यक्ष के सिवन आईआईटी दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि रहे। इस खास मौके पर इसरो ने आईआईटी दिल्ली के साथ कैंपस में स्पेस टेक्नोलॉजी सेल की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। आईआईटी दिल्ली का 50वां दीक्षांत समारोह ऐतिहासिक पल का गवाह बना। समारोह के मुख्य अतिथि इसरो चीफ के सिवन ने कहा कि इसरो आईआईटी से रिसर्च में मदद लेगा, साथ ही आईआईटी में स्पेस टेक्नोलॉजी सेल की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस मौके पर के सिवन ने कहा कि जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति और मेहनत में मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। आपने MOU दैट इज दैट बेसिकली दैट द स्पेस टेक्नोलॉजी सेल दैट इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन वी यूज टू साइन टू गेट अ मोर द एटॉमिक रिसर्च दैट टुडे वी साइंड विद आईआईटी। ऑलरेडी वी हैड दैट 5 इंस्टीट्यूट, टुडे इज द 6th इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली वी साइंड द MOU। आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर वी रामगोपाल राव ने कहा कि आईआईटी की एनआईआरएफ में रैंकिंग सुधरी है और दुनिया भर के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी करने वाली संस्था कुआ क्वारेली साइमंस की रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान हासिल हुआ था। कंटिन्यूअसली इंप्रूव्ड आवर रैंकिंग्स इन द लास्ट 3 इयर्स बोथ इन एनआईआरएफ एज वेल एज इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी ऑफ क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। Also in the research impact category of QS World Ranking, IIT Delhi scored 80.6 marks out of 100, making it to the league of top research universities across the world. इस दौरान पूर्व छात्र और फ्लिपकार्ट के संस्थापक रहे बिन्नी बंसल, डॉक्टर मोहित एरॉन, प्रोफेसर केशव श्रीनिवासन समेत कई पूर्व छात्रों को एल्यूमिनाई अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। साथ ही डाक विभाग संस्थान के इतिहास पर डाक टिकट भी जारी किया गया। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। और बुलेटिन में अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई। जलवायु परिवर्तन और मौसम में होने वाले बदलावों का इंसानों और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक सदी के अंत तक जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया का तापमान बहुत ज़्यादा होगा। इसका असर भारत में भी दिखाई देगा। देश का औसत सालाना तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर साल 2100 तक 28 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की आशंका है और एक साल में 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान वाले दिनों में 8 गुना इजाफा होगा। इस सदी के आखिर तक राजधानी दिल्ली में बेहद गर्म दिनों की संख्या 22 गुना बढ़ जाएगी और तापमान बढ़ने से भारत में हर साल 15 लाख लोगों की जान जा सकती है। इसके अलावा हिमालयी राज्यों में गर्मी के औसत तापमान में सबसे ज़्यादा इजाफा होगा। बिहार समेत देश के विभिन्न हिस्सों में लोक आस्था का महापर्व छठ पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज व्रत करने वाले लोगों ने निर्जला उपवास रखकर शाम को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। कल यानी रविवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा को लेकर बाजार सज चुके हैं, घाटों पर रौनक है। नदियों और तालाबों के किनारे घाट रोशनी से सराबोर हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने भी इंतजाम किए हैं। किसी दुर्घटना से बचने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। छठ को लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अर्थनीति।